हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लास नाइन्थ एंट्रेंस एग्जाम फॉर एएमयू। तो ये मोस्टली जो वीडियो है वो एएमयू से रिलेटेड है, बट अगर आप जो है वो बीएचयू, जामिया या फिर नवोदय की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अभी आप देख सकते हैं, क्लास एट के स्टूडेंट भी देख सकते हैं। चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो इस पूरी वीडियो हम बात करने वाले हैं किस किस टॉपिक पर। देखिए, इसमें हम कवर करेंगे सबसे पहले कि इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या हैं, फॉर्म हमारा कब आता है, उसकी डेट्स क्या होती है, फॉर्म की लास्ट डेट क्या होती है, एग्ज़ाम कब होगा हमारा और उसका रिजल्ट कब आएगा, ये सारी डेट्स के बारे में इसे पूरी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या आप एलिजिबल हैं, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सबको इसमें डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे सिलेबस क्या है, जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए। सिलेबस जब आपको पता चल जाएगा उसके बाद हम बात करेंगे कि उस सिलेबस को कैसे तैयार करें, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द होल सिलेबस। एंड उसके बाद हम करेंगे कि एक्स्ट्रा प्रॉस्पेक्टस के अंदर एक्स्ट्रा क्या है जो हमने स्लाइड में जो है वो कवर नहीं किया है। फिर लास्ट ईयर का पेपर के बारे में आपको थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास नाइन्थ का। देखिए, अब इसमें प्रॉस्पेक्टस में सबसे पहले जो लिखा है वो यहाँ पर ये लिखा था कि अवेलेबल स्कूल्स फॉर बॉयज़, अवेलेबल स्कूल फॉर गर्ल्स। तो यहाँ पर जो स्कूल, थ्री स्कूल हैं, एसटीएस स्कूल, एएमयू सिटी, एएमयू बी एबी के। तो ये थ्री स्कूल फॉर बॉयज़ हैं, इसमें सीट के कितनी सीट्स हैं, किस स्कूल में वो दे रखा है। और गर्ल्स के लिए यहाँ पर एएमयू गर्ल्स स्कूल है, एएमयू एबी के हाई स्कूल, ये यहाँ भी गर्ल्स। तो ये दो स्कूल जो है वो गर्ल्स के लिए वो नंबर ऑफ सीट दे रही है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट इसमें आपको बताए जाएंगे। फिर आपको यहाँ पूछा गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपकी जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि पास्ड क्लास एट फ्रॉम ए स्कूल विच रजिस्टर्ड द एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। मतलब आपका जो स्कूल है वो रजिस्टर्ड स्कूल होना चाहिए, उसकी जो है वो मान्यता होना चाहिए और कहाँ क्लास एट पास आउट होने चाहिए। बस आपको इतनी ही ज़रूरत है। ऐसा नहीं हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स हो वो किसी ऐसे स्कूल हो जो कहीं भी रजिस्ट्रेशन नहीं है उसका, तो उसको हम नहीं माना जाएगा, वो फर्जी माना जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि एज लिमिट क्या होनी चाहिए। ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, एएमयू हो गया, जामिया, बीएचयू, सभी लोग एज लिमिट को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो एज होनी चाहिए वो 13 to 15 years एज ऑन March 31, 2020। देखिए, यही जो एज थी वो फर्स्ट जुलाई को काउंट कर रहे थे कहाँ पर, बीएचयू के अंदर। इन्होंने मार्च में 31 मार्च को इन्होंने उसको एज अ रेफरेंस डेट माना है। तो यहाँ 13 to 15 years यहाँ पर होनी चाहिए, 13 years से कम नहीं, 15 years से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स दैट आपकी जो, अगर आप इस बार फॉर्म भर रहे हैं, मतलब 2020 के हिसाब से उन्होंने दिया है, अगर आप 2020 में फॉर्म भर रहे हैं तो आप जो है 1 अप्रैल 2005 से पहले की आपकी पैदाइश नहीं होनी चाहिए और 31 मार्च 2007 के बाद की आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कैसे सेलेक्ट होंगे। तो सिलेक्शन के लिए आपको जो है वो सबसे पहले एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद इसमें जो है वो इंटरव्यू होता है। क्लास 11th में एएमयू में इंटरव्यू नहीं होता है, बीएचयू में किसी भी 6, 9 और 11th किसी के लिए जो है वो आपका इंटरव्यू नहीं होता था, इसमें इंटरव्यू है क्लास 9th में और 6th में। तो यहाँ थ्रू आपका एडमिशन टेस्ट हो गया। अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने जो है वो, क्योंकि ये चेंज हो गया, तो यहाँ पर 85 मार्क्स जो है वो आपका रिटन पेपर होगा और आपका 15 नंबर का जो होगा वो आपका यहाँ पर इंटरव्यू होगा। क्या होगा? इंटरव्यू। तो यहाँ पर आपका 85 मार्क्स का आपका रिटन है और 15 मार्क्स का इंटरव्यू। लेकिन इंटरव्यू तभी आपका होगा जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेंगे, तो रिटन क्वालिफाई करना ज़रूरी है। अब रिटन टेस्ट जो है वो आपका 85 मार्क्स का, 15 मार्क्स का आपका इंटरव्यू हो गया। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट जो है, अगर उसने रिटन क्वालिफाई कर लिया उसके बाद इंटरव्यू उसने किया, तो इंटरव्यू में उसके मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए। द कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। फॉर द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई रिटन टेस्ट ऑब्टेनिंग अ मिनिमम 40% मार्क्स इन द इंटरव्यू इज एसेंशियल टू बिकम एलिजिबल फॉर सिलेक्शन। तो अगर किसी ने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया और अगर उसके, मान लो रिटन टेस्ट में उसने टॉप कर दिया लेकिन इंटरव्यू में उसके 40% नंबर नहीं आए, तो वो एलिजिबल नहीं होगा सिलेक्शन के लिए, मतलब उसकी रैंक नहीं बनेगी। तो इसका मतलब आप जो है, आपको इंटरव्यू मिनिमम 40% का मतलब कितना होगा, मिनिमम 6 नंबर आपको लाना है। 15 का अगर आप 40% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 40% निकालिए यहाँ से, तो ये आपका आ जाएगा कितना, आ जाएगा आपका
सिक्स नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप अगर इससे आप यहाँ से अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 5 into 2 और 5 3 और 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो ये आपका कितना आ रहा है, आपका 6 नंबर आएंगे। तो 6 नंबर आपके मिनिमम इंटरव्यू में आने चाहिए यहाँ पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि टेस्ट पेपर आपका क्या होगा। देखिए क्योंकि इंटरव्यू आपका बाद में होना है, पहले रिटन हो, तो रिटन क्वालिफाई करना जरूरी है। रिटन क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका 50% नंबर आने चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या है कि रिटन टेस्ट में दो सेक्शन में होगा आपका, एक सेक्शन 1 होगा और एक सेक्शन 2 होगा। तो रिटन टेस्ट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो जो हमने कहा था कि एक रिटन होगा और दूसरा आपका क्या होगा, इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट के दो सेक्शन है, एक सेक्शन 1 हो गया और दूसरा आपका सेक्शन 2 है। तो सेक्शन 1 है सेक्शन 2। तो सेक्शन 1 में 25 मार्क्स का होगा जिसमें 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे MCQ, और एक नंबर का एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे इंग्लिश, उर्दू और हिंदी का, हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें हमारा जो सेक्शन 1 है हिंदी, इंग्लिश और उर्दू से रिलेटेड होंगे और 25 क्वेश्चंस होंगे 25 मार्क्स के, और 60 तो बाकी कितना, क्योंकि 85 का टोटल, तो 65 क्वेश्चंस यहां से आएंगे। और ये जो सेक्शन होगा वो आपका मैथमेटिक्स का और साइंस का होगा। तो इसके अंदर आपका मैथ्स है और दूसरा क्या है यहाँ पर आपका साइंस है। अब यहाँ पर मैथ्स 30 नंबर का होगा और साइंस भी आपका 30 नंबर का यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि आप जो है वो सेक्शन 1 के अंदर, यहाँ लिखा सेक्शन वन जो है, देखिए इट इज एसेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन्स अ मिनिमम ऑफ 40% मार्क्स इन सेक्शन 1 इन द रिटन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर द इंटरव्यू और एडमिशन। तो एडमिशन के लिए और इंटरव्यू के लिए आप तभी जा पाएंगे जब आपने सेक्शन 1 में, मतलब यहाँ पर आपने 40% नंबर जो है वो मिनिमम स्कोर किया होगा। 40% का मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 10 मार्क्स हो जाएंगे, मतलब आपके आउट ऑफ 25 10 मार्क्स आना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने यहाँ 65 में 65 आप ले आए, मान लो 85 में जो मेरिट गई, 85 में मेरिट 60 के आसपास मेरिट मान के चलो आप, 65 मान लो, चलो 65 में आप 65 ले आए और यहाँ पर आप जो है वो 2 नंबर लेके आ रहे हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मिनिमम आपको जो है वो 10 मार्क्स को लेके आने, अगर आप 15 लेके आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट आपको 10 मिनिमम लेके आने, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का, बात है एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पर लिखा है, लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग क्या है आपकी, यहाँ दिसंबर है, 28 दिसंबर लिखा है, और यहाँ पर लेट फी जो है वो आपकी 8 जनवरी है। इसका मतलब ये जो फॉर्म आएगा वो आपका दिसंबर में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो हर साल दिसंबर के लास्ट में, वैसे तो ये जनवरी में भी तक होता था लेकिन इस बार उनका दिसंबर है, तो मान के चलिए नेक्स्ट ईयर भी ये लगभग दिसंबर में फॉर्म आएगा इसका, दिसंबर। और लेट फी का जो ऑप्शन है, लास्ट डेट अप्लाइंग विद लेट फी, तो लेट फी का ऑप्शन जो इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है, तो लेट फी के लिए आपको 8 डेज का एक्सटेंशन मिलेगा। बट लेट फी अगर आप जो है वो लेट अप्लाई करेंगे, लेट फी अप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा फी जमा करनी पड़ेगी। देखिए 550 जो है वो नॉर्मल फी है और 800 जो है वो आपकी लेट फी के साथ है। अब यहाँ बात करें करेक्शन के लिए, अगर आपने फॉर्म भरा फॉर्म में कुछ गड़बड़ हो गया तो करेक्शन कब होगा, करेक्शन जब फॉर्म की लास्ट डेट क्या है 8 है, तो 8 के बाद आपका 11 2-3 दिन के बाद आपकी जो है करेक्शन। ये जो फॉर्म है ये पहले से ही सारी डिटेल बता देते हैं कब हमारा जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो करेक्शन होगा, कब नहीं होगा, वो सारी चीज़ें पहले आपको बता दी जाएंगी। लेकिन प्रोस्पेक्टस आने के बाद, प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीज़ें बता देते हैं पहले से। फिर एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड के लिए उन्होंने वेबसाइट बता रखी है कि amucontrollerexams.com, ये साइट है इनकी, और यहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट जो आपका होगा 29 मार्च है, तो 29 मार्च को आपका पेपर होगा, 2 घंटे का यहाँ पर पेपर है और ये 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा मॉर्निंग में। फिर आप यहाँ करें रिजल्ट प्रोसेसिंग जो होगी वो अप्रैल के आसपास, 4 अप्रैल को आपका जो है ये आपकी आंसर, देखिए यहाँ पर पहले आंसर की आएगी आपकी, और डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट जो है वो मई 15 तक आ जाएगा आपका। तो 15 मई तक और अप्रैल 4 तक आपकी जो है वो, मतलब आपकी जो है जो आंसर की है, आंसर की का चैलेंज है वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा, जिससे कि आप देख पाएं कि आपके कितने सही जा रहे हैं कितने, क्योंकि इसमें हमारे सीट को ये अपलोड करते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये सारा जो प्रोसीजर है, जो हमने फॉर्म भर दिया, हमको पता चलेगा फॉर्म एग्ज़ाम कब होना है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप एक साल पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप उस प्रिपरेशन को कैसे करेंगे, तो हाउ टू प्रिपेयर आपको बताएं कि आपको इस पूरे एग्ज़ाम के लिए किस तरह से प्रिपरेशन करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको जो करना है वो क्या करना है, NCERT करना है, और NCERT किसकी करना है, NCERT अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ इन्होंने साफ साफ लिखा होगा। तो यहाँ पर देखिए टेस्ट पेपर सिलेबस की अगर बात करें तो यहाँ लिखा देखिए, द टेस्ट पेपर सिलेबस शैल बी सेम एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर क्लास 8 CBSE
और एनसीईआरटी फॉलोड इन द यूनिवर्सिटी स्कूल। तो यहाँ पर जो है वो क्लास 8 की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, क्लास 8 की एनसीईआरटी। और ये क्लास 8 की जो एनसीईआरटी ये आपकी मान के चलिए कि लगभग आप जो है वो 80-90% आपका, अगर इनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप मान के चलिए कि आपका 90-80% के आसपास आपका जो है सिलेक्शन कन्फर्म है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन फिर भी आपको कुछ प्रिपरेशन और करना है तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी आपको किसकी पढ़नी है, देखिए साइंस का आएगा तो साइंस की एनसीईआरटी पढ़नी है, मैथ्स आएगा तो आपको मैथ्स की एनसीईआरटी पढ़नी है। तो ये दो पढ़ना है आपको, ये आपका जो है वो 60 मार्क्स का होगा और 25 मार्क्स के लिए आपको जो है वो इंग्लिश हिंदी और उर्दू पढ़ना है, बाकी आपको एसएसटी वगैरह नहीं पढ़ना, उसका सिलेबस उसमें नहीं है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर बीएचयू की बात करें तो उसमें जो है वो एसएसटी वगैरह था, जनरल साइंस और एसएसटी थी वहाँ पे। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट आपको क्या करना है। देखिए अब आप लगाइए यहाँ पर सेकंड नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आपको जो है वो आप या तो बुक परचेज कर लें, और अगर आप बुक परचेज नहीं करें तो आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि मैंने इससे रिलेटेड सारी वीडियोस चैप्टर वाइज बना ली है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं, चैप्टर वाइज देख सकते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी से एक चैप्टर पढ़ा मैथ्स का फर्स्ट, तो उस चैप्टर से रिलेटेड सारी अभी तक जितने बीएचयू में, जितने आपके एएमयू के अंदर, जितने भी एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप जो है वो यूट्यूब से मेरे चैनल से आप वीडियोज़ देख सकते हैं, तो यूट्यूब वीडियोज़, तो इनको आप अच्छे से कर लें तो क्या होगा कि आपका जो 80-90% जो आपका चांस है वो आपका यहाँ पर 95-100% में आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 90 अगर ये दोनों चीज़ें आप कर लेते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। फिर भी क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा सिलेक्शन ना हो, हमारा सिलेक्शन 100% सिलेक्शन हो। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं कि हमें गाइड परचेज करनी है। गाइड से क्या हो, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मिल जाएंगी आपको, एक सपोर्ट मिल जाएगा। हो सकता है कि आप इसको 100% कर ही नहीं पाओ एनसीईआरटी को अपने आप, तो आपको गाइड का थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, या फिर आप कोचिंग मटेरियल ले सकते हो, कोचिंग मटेरियल अगर कहीं से अवेलेबल हो, या फिर जो स्कूल के टीचर्स होते हैं वो आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड करते हैं आप उससे पढ़ लें, तो बहुत सारे मटेरियल मार्केट में है। आप अभी वहाँ बहुत ज़्यादा चीज़ें सर्च ना करें, आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करें, फिर आप एक गाइड ले लें। ये गाइड आपको मिल जाएंगी एमयू के आसपास, आपको बहुत सारी बुक स्टॉल है, बुक स्टॉल से जाकर अगर मालूम करेंगे कि लास्ट 9th एंट्रेंस एग्जाम की गाइड दे दो, तो 4-5 राइटर की गाइड है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आप वहाँ जाके परचेज कर लें। ठीक है, और जो है फिर मैं अभी बाद में एक जो है वो आपको बुक लिस्ट शेयर करूँगा, मैं आपको जो है वो आप अपने यूट्यूब चैनल से जो है वो बता दूंगा कि कौन सी आपको, अभी नहीं क्योंकि अभी मुझे इतना अभी नहीं पता कि इस बार मार्केट में कौन सी अच्छी और अच्छी बुक आई है। ठीक है, लास्ट ईयर के हिसाब से अगर देखें तो और कई सारी बुक्स हैं, लेकिन अभी जो है लेटेस्ट में बुक देखूंगा, उसके बाद आपको सजेस्ट करूंगा मैं, इसलिए अभी सजेस्ट नहीं कर रहा। लेकिन आप जो है वो एनसीईआरटी को फॉलो करें, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके लिए, पहले आप इसको कवर करें फिर बाद में उसको देखा जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि प्रोस्पेक्टस के अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा थी। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस में एक्स्ट्रा हम बात कर लेते हैं। देखो अब यहाँ ये मैं प्रोस्पेक्टस ओपन कर रहा हूँ, ये प्रोस्पेक्टस आपका है। अब इस प्रोस्पेक्टस में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो दे रखा है स्कूल के नाम दे रखे हैं इंट्रोडक्शन के अंदर। अब इसमें बहुत ज़्यादा अभी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ें पढ़ने की, ये फी स्ट्रक्चर दे रखा है कि आपका फी जो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में एडमिशन फी है, ये तो तब का है जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपकी काउंसलिंग होगी, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में दे रखा है, ये सब चीज़ें आपके अभी मतलब की नहीं है, अभी आप जो है वो पढ़ाई करें, अपना एडमिट कार्ड ध्यान से रखना, जब एडमिट कार्ड आएगा वो बात की बात है। तो जो स्टूडेंट इस बार एग्ज़ाम दे रहे हैं वो अपने एडमिट कार्ड को अच्छे से रखें, बाकी चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर आगे देखें तो यहाँ पर ये सब फॉर्म से रिलेटेड इसमें दे रखा है, और इसमें ये दे रखा है कि आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो 15 मिनट पहले आपको जाना है, ये सब जब आपका एडमिट कार्ड होता है ना उसमें सब चीज़ें ही लिखी होती हैं, तो उसको यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर OMR सीट के बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा है ना अलग से, क्योंकि वो ज़रूरी है, अलग से वीडियो बनानी चाहिए उसके लिए। अब ये बाकी स्कूल के बाकी बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। और यहाँ पर जो है वो देखिए, अब ये थोड़ा जो NRI स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, तो आपको उस पर ध्यान ही देना है। तो ये हमारा प्रोस्पेक्टस था, तो इसमें कुछ खास इतना ज़्यादा नहीं है, बस आपको एक आइडिया देने के लिए मैंने बता दी प्रोस्पेक्टस में क्या क्या एक्स्ट्रा है। तो इसमें कुछ इतना खास नहीं है जितना मैंने इस स्लाइड में आपको बताया उतना। देखिए लास्ट ईयर पेपर की बात करते हैं कि जो पेपर आएगा उसकी जो लैंग्वेज होगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों होती है, तो आप उसके लिए परेशान ना हो, आप जो हैं वो एक तरफ इंग्लिश होगा एक तरफ हिंदी होगा, तो आप जो है अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो तो आप दूसरी लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं।
ये आपका जो है वो इस तरह से आपका पेपर आता है। तो पेपर के लिए परेशान ना हो, बाद में आप कमेंट करते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तो बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती।